अगर आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो और उसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशन अपने आप ओपन होने लगते हैं तो आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कुछ एप्लीकेशन को आप अलाउ कर देते हो जिसके वजह से वो क्या होता है अपने आप ओपन होने लगता है, तो आपको उसको जाकर के बस बंद करना है। तो फिर आप अपने लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपका लैपटॉप स्मूथली ओपन होगा, उसके साथ कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं। उसके लिए आपको जाना है स्टार्ट पर और यहाँ पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा टास्क मैनेजर, आपको इस पर चले जाना है। अब जैसे ही टास्क मैनेजर पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कर देना मोर डिटेल्स। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये पूरा खुलेगा, इसमें आपको शो होगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपका ओपन है, क्या क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टार्टअप का, आपको स्टार्टअप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितना भी चीज एनेबल किया हुआ है जब भी मेरा लैपटॉप ओपन होगा वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो डिसेबल। तो जो भी एप्लीकेशन आपके ओपन हो रहे हो आप उसको यहाँ से डिसेबल कर देना राइट क्लिक करके। तो ऐसे आप कर सकते हो राइट क्लिक करके डिसेबल और फिर वापस एनेबल भी कर सकते हो।